प्रज्ञा संपन्न शासक अपनी प्रजा को शिक्षा देता है। समझदार व्यक्ति का शासन सुदृढ़ रहता है। जैसा शासक वैसे ही उसके पदाधिकारी, जैसा नगराध्यक्ष वैसे ही उसके निवासी। मूर्ख राजा अपनी प्रजा का विनाश करता है। नगरों की सुव्यवस्था उसके शासकों की समझदारी पर निर्भर है। पृथ्वी का शासन प्रभु के हाथ में है। वह सुयोग्य व्यक्ति को उपयुक्त समय पर भेजता है। मनुष्य की समृद्धि प्रभु के हाथ में है। वह शास्त्री को महिमा प्रदान करता है। अन्याय के कारण अपने पड़ोसी से बैर मत रखो और घमंड के आवेश में कोई काम मत करो। प्रभु और मनुष्यों को घमंड से बैर है, अन्याय से दोनों को घृणा है। अन्याय, अत्याचार और लोभ के कारण राजसत्ता एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के हाथ चली जाती है। कृपण व्यक्ति से अधिक बुरा कोई नहीं, वह अपनी आत्मा को भी बेच सकता है। मिट्टी और राख का पुतला घमंड क्यों करता है? जीवित रहते भी उसकी अतड़ियों में कीड़े हैं। दीर्घकालीन बीमारी वैद्य को निराश और अल्पकालीन बीमारी उसे प्रसन्न करती है। हर राज्य अधिकार अल्पकालीन है। आज का राजा कल मर जाता है। ज्यों ही मनुष्य मर जाता है, सांप, पशु और कीड़े उसकी विरासत बनते हैं। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। जो पाप करता है वह अभिशप्त है। इसलिए प्रभु ने पापियों पर विपत्तियां ढाई और उनका सर्वनाश किया है। ईश्वर ने घमंडियों के सिंहासन गिराए और उन पर दीनों को बैठाया है। प्रभु ने घमंडी राष्ट्रों की जड़ उखाड़ी और उनके स्थान पर दीनों को रोपा है। प्रभु ने राष्ट्रों की भूमि उजाड़ दी और उनका समूल विनाश किया है। उसने उन्हें मनुष्यों के बीच से उखाड़ दिया और पृथ्वी पर उनकी स्मृति तक मिटा दी है। ईश्वर ने घमंडियों की स्मृति को मिटा दिया और दीनों की स्मृति को बनाए रखा। घमंड मनुष्यों को शोभा नहीं देता और ना स्त्री के संतान को क्रोध का आवेश। जो प्रजाति प्रभु पर श्रद्धा रखती है वही सम्मान के योग्य है। जो प्रजाति प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करती है वह सम्मान से वंचित रह जाती है। जो अपने भाइयों का नेता है उसका उनके बीच सम्मान किया जाता है। परदेशी, शरणार्थी और भिखारी, उनका गौरव इसमें है कि वे प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धार्मिक दरिद्र की उपेक्षा करना अन्याय है और पापी की महिमा करना अनुचित है। राजा, न्यायाधीश और शासक का सम्मान किया जाता है, किंतु उनमें कोई उस व्यक्ति से महान नहीं जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। स्वाधीन व्यक्ति समझदार दास की सेवा करेंगे और इस पर किसी विवेकी को आपत्ति नहीं होगी। अपने व्यवसाय में प्रज्ञा का और तंगहाली में बड़प्पन का स्वांग मत रचो। उस घमंडी की अपेक्षा जिसके पास रोटी नहीं, वह कर्मशील व्यक्ति अच्छा है जिसे किसी बात की कमी नहीं। पुत्र, विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। अपने को अपनी योग्यता के अनुसार ही श्रेय दो। जो व्यक्ति अपने साथ अन्याय करता उसे कौन निर्दोष ठहराएगा? जो व्यक्ति अपना ही अपमान करता उसे कौन सम्मान देगा? ज्ञान के कारण दरिद्र का और धन के कारण धनी का सम्मान किया जाता है। दरिद्रता में जिसका सम्मान किया जाता है उसका समृद्धि में कहीं अधिक सम्मान किया जाएगा। समृद्धि में जिसका अपमान किया जाता है उसका दरिद्रता में कहीं अधिक अपमान किया जाएगा।